ये है दूसरे फ्लोर पे हम आ गए हैं। ये चक्कर है, यहाँ से यहाँ पूरा इसका कंप्लीट व्यू आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोबाइल शॉप्स हैं हर तरह। ये चेक करिए, सारे मोबाइल शॉप्स मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, मतलब इसमें मैंने ख्याल से जो चार ब्रांचेस होती हैं ना, हर उसमें एक एक डाइनिंग हॉल होता है। ये देखिए नीचे खूबसूरत सा डेक डाइनिंग हॉल है, फैमिलीज बैठी हैं। एलिवेटर, अब ये थोड़ा सा फील हो रहा है कि मॉल में ये चीज़ की कमी थी उसमें, दाउज़ई मॉल में। लेकिन यहाँ पे एलिवेटर्स हैं, प्रॉपर फ्लोरिंग है, इसके फ्लोर्स कम हैं, ये दो फ्लोर है मेरे ख्याल से। ये है गुलबहार मॉल, अभी यहाँ से बिल्कुल पास एक और है, उसका नाम है दाउज़ई मॉल, वहीं पे जाके देखते हैं। अफगानिस्तान के एक मॉल में, इसका नाम है गुलबहार मॉल, और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर जो एलीट क्लास लोग शॉपिंग करते हैं, सब कुछ होता है, वो यहाँ पर होता है। चेक करें, डिफरेंट दुकानें, नीचे डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे खाना पीना चल रहा है, और इस साइड के सारे मोबाइल की दुकानें नज़र आ रहे हैं। ये देखिए सारे सामने मुझे आईफोन नज़र आ रहे हैं, और इस साइड पे भी। मॉल खूबसूरत है, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन छत जिस तरह आप देख रहे हैं ना, कि मेरी हाइट से बड़ा से बड़ा बंदा अगर होगा ना, उसका सर लग जाएगा यहाँ पर। अब ये चेक करें, सिर्फ छत थोड़ी सी नीचे है, बाकी मॉल बेशक खूबसूरत है। देखिए सब इसमें ब्रांचेस हैं, गलियां हैं इसमें, यहाँ पे खूबसूरत शॉप्स हैं। यहाँ तकरीबन इसी फ्लोर पे तो सारे मुझे मोबाइल फ़ोन्स और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या दिखा रहे हो भाई साहब? आप क्या दिखाएंगे, क्या आप देखना चाहेंगे? मैं आप मोबाइल के कवर दिखा दो। चलो, ये कवर है, सारे के सारे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। मॉल में जो है ना, ये प्लेइंग एरिया है खूबसूरत। यहाँ पे देखें, ये गेमिंग जोन है, टीवीज़ कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे लड़के बैठ के फीफा खेल रहे हैं, कोई डिफरेंट खेल रहा है। यहाँ पे बच्चों के लिए इनाम घर है, और यहाँ पे देखें मसाज चेयर्स हैं साथ में। मैं कैमरा मुँह के करीब कर लिया क्योंकि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है। ये चेक करें, ये मसाज चेयर्स हैं, इसके लिए आप पे करेंगे 100 अफगानी, फिर आप इसमें बैठ गए, पता नहीं कितने मिनट का आपको मसाज मिलता है। ये देखें इसमें, ये बच्चों का सारा प्ले एरिया है यहाँ पे, इसमें आप बैठेंगे तो ये सारी गेम्स खेल सकते हैं आप साथ में। इसी को मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी टाइप गेम्स हैं यहाँ। और ये गाड़ी में, इस गाड़ी में बैठेंगे तो ये गाड़ी सामने, ये स्टेयरिंग आपको नज़र आती सामने कर सकते हैं, बाकी भी सारी गेम्स हैं। स्ट्रीट सूरत गारमेंट्स हैं यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के, वाह, ये सारे स्ट्रीट में जो है ना गारमेंट्स नज़र आ रहे हैं। कुछ देखते हैं, यहाँ पर जैकेट्स लगी हुई हैं, जैकेट्स, ये खूबसूरत लेदर जैकेट है जिसके अंदर फर है। इसके अलावा बाकी वेस्ट कोट वगैरह पड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बड़ी ज़बरदस्त जैकेट मुझे नज़र आ गई है, रदीसों की मत है, 2000 अफगानी, 2000 अफगानी, 8000 पाकिस्तानी। ये सारे शर्ट्स वगैरह हो गई, लेट्स सी आगे जाते देखते हैं। घड़ियों की शॉप्स हो गई हैं, इस तरफ भी आपका डाइनिंग हॉल है, इस तरफ भी हैं, तो बड़ा खूबसूरत किस्म का माल है, और इसमें खूबसूरत घड़ियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पे कितना फ्लोर, कितने फ्लोर का आप माल है? ये 4 फ्लोर। और ये एक और यहाँ पे अफगान ट्रेडिशनल शॉप है, यहाँ पे ये ख्वातीन की जो है ना, वो है सारी ड्रेसेस हैं ख्वातीन का, ये अफगानी कल्चरल ड्रेस है, कितना बड़ा है। इसके अंदर ज़रा जाते हैं। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। ये देखें, ये अफगानी टिपिकल अफगानी खातूनों का जो ड्रेस होता है वो होता है। ये कितने रोरा दस्तों की मत लरी, 5500 अफगानी। ओके, और ये भी चेक करें, ये भी खातूनों का ड्रेस है, ये टिपिकल अफगानी जो है, इस पर काफ़ी मेहनत हुई पड़ी है। ये सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट कपड़ा यूज़ किया गया है और उसमें भी, और ये अफगान के कल्चरल वेस्ट कोट्स हैं। ये चेक करें, वास्कट्स की मतलब रही, 1200 अफगानी, 1200 अफगानी, 1200 अफगानी। ये बड़े खूबसूरत वेस्ट कोट्स हैं, खस्ता खस्ता पके
ज़बरदस्त। अच्छा इसमें ये ना ये हर चीज़ कस्टम मेड की जाती है, ये ख़वातीन के कपड़े ये चेक करें। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ गई है, देखें मुझे ऊपर लेदर बैग्स हैं, लेदर बैग्स के अंदर भी ये अपना ट्रेडिशनल जो कपड़ा है वो अंदर लगा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें उस्ताद साहब ख़ुद बना रहे हैं सब कुछ, और वो एक जैकेट चेक कर, सोल जैकेट बहुत आला, हाँ ज़बरदस्त। और मॉल के अंदर देखें ट्रेडिशनल चीज़ें आपको मिलती हैं ज़बरदस्त किस्म की। यहाँ पे देखें ये खूबसूरत कुंडस है, और ये देखें ये कितना प्यारा है और बहुत आला। होती है ना यहाँ पे दूध पत्ती चाय ढूंढना, तो यहाँ पे ये चीफ बर्गर है, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये दूध पत्ती चाय मिलती है। दूध पत्ती चाय का ज़रा पूछते हैं ना इधर ही, दूध पत्ती चाय यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे मिलेगी नहीं, क्योंकि चीफ बर्गर है ये पेशावर में जो उनका ब्रांड है वहाँ पे तो बहुत ही आला चाय मिलती है, नॉट श्योर कि यहाँ पे मिलती है या नहीं। चलो यहाँ पे तो शेर चाय मिल जाएगी, बैठते हैं ज़रा। सो यहाँ पे आ गए जी, शुक्र है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पाकिस्तानी चाय मिल गई है, यहाँ पे बैठ के पाकिस्तानी चाय ज़रा एंजॉय करते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत एम्बियंस है इस जगह पे बैठ के ना, पूरे मॉल की बहुत ही आला एम्बियंस है, सीटिंग एरिया काफ़ी बेहतरीन है। अब ज़रा चाय का इंतज़ार करते हैं कि देखें मॉल के अंदर भी शुक्र है चाय मिल रही है। ये चाय इसकी सर्विंग थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें दूध डाल के फिर खुद चीनी मिक्स करनी पड़ेगी, मैंने सिर्फ पत्ती मिक्स की हुई है। चाय करते हैं एनीवेज, तो ये थोड़ी सी ढाबे वाली टाइप होती तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें देखिए पत्ती बिल्कुल कम नज़र आ रही है, और दूध पत्ती तो दूध का मज़ा तब आता है ना जब इसमें सही ज़्यादा किस्म की पत्ती डाली हुई हो। इसमें ज़रा आप चीनी मिक्स करते हैं, ये आ गई है। और ये दोनों भाईजान जो थी ना पाकिस्तानी चाय डिस्कस कर रहे हैं, अब इस जगह में तो पाकिस्तानी चाय नहीं मिलती आपको। ये आ गई चीनी भाई साहब, ओह इतनी ज़्यादा हो गई है। ये आ गई है चाय, और आप इसको चाय करते हैं। जिस तरह से वो नॉर्मल चिट्ठी होती है वैसे, जिस तरह से कड़क दूध पत्ती, लेकिन अफगानिस्तान में ये चीज़ मिल रही है ना चीनी में बराबर, हाँ बराबर ना पकेवा चावा, अफगानिस्तान में ये चीज़ मिल रही है ना, तो ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको ग्रीन टी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ मिलती है तो ग्रीन टी। ये है गुलबहार मॉल, अभी यहाँ से बिल्कुल पास एक और है, उसका नाम है दाऊदज़ई मॉल, वहीं पर जाके देखते हैं। तो ये काबुल शहर में तीन मॉल है ना, तीन बड़े मॉल हैं यहाँ काबुल शहर में, जो यहाँ ज़बरदस्त एक अच्छी बात है कि शहर में तीन मॉल होना। अब दाऊदज़ई मॉल को देखते हैं, चाहिए कोई गाड़ी खड़ी है किसी चीज़ के लिए, इनाम के लिए, बॉय एंड बीन आर इन वन स्टोर, कौन सा स्टोर है ये वन, वही कुछ ख़रीदते हैं क्या पता मर्सिडीज़ निकल आए। भाई साहब यहाँ का दाऊदज़ई मॉल ये भी खूबसूरत है काफ़ी ज़्यादा, देखिए फर्स्ट फ्लोर पे ये सारे मोबाइल शॉप्स हैं, सूरत किस्म के वॉचेस हैं, फिर मोबाइल शॉप्स हैं, फिर ट्रैवल एजेंसीज हैं। इस मॉल में एक चीज़ की कमी थी और वो थी एलिवेटर की, यहाँ पे एलिवेटर्स मुझे नज़र आ रहे हैं जिस पे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। उस मॉल में इस चीज़ की कमी, गुलबहार में ये चीज़ नहीं थी, दाऊदज़ई में ये चीज़ बहुत है। ये देखिए ये प्रॉपर स्टेयर्स हैं, एलिवेटर, अब ये थोड़ा सा फील हो रहा है कि मॉल में ये चीज़ की कमी थी उसमें दाऊदज़ई मॉल में, लेकिन यहाँ पे एलिवेटर्स हैं, प्रॉपर फ्लोरिंग है, इसके फ्लोर्स कम हैं, ये दो फ्लोर है मेरे ख्याल से। यहाँ पे मोबाइल शॉप्स हैं यहाँ पर, इसके अलावा क्या मुझे नज़र आ रहा है इसमें और क्या है, यहाँ पे तो सारी मोबाइल शॉप्स नज़र आ रही हैं। यहाँ से ऊपर से देखते हैं, अच्छा ऊपर से नीचे वो भी है, अच्छा कहा नहीं तीन फ्लोर है, एक फ्लोर दो तीन चार पाँच, पाँच फ्लोर पे हम खड़े हैं,
अच्छा अच्छा हम डायरेक्ट तीसरे फ्लोर पे अंदर आ गए थे, डाइनिंग हॉल है तीसरे फ्लोर और ये ऊपर टॉप ये है दूसरे फ्लोर पे हम आ गए हैं। ये चक्कर है यहाँ से, यहाँ पूरा इसका कंप्लीट व्यू आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोबाइल शॉप्स हैं हर तरह। ये चक्कर ये सारे मोबाइल शॉप्स मुझे नज़र आ रहे हैं, एक्सेसरीज इस तरफ कोई एक दो शॉप्स मुझे नज़र आ रही हैं जो गारमेंट्स की हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही अफगानिस्तान में इतने मोबाइल्स क्यों बेचते हैं। सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान में इतने लोग पता नहीं मोबाइल के शौकीन क्यों हैं, क्योंकि अभी तक इन तीनों फ्लोर्स में मुझे सिर्फ मोबाइल्स ही नज़र आए हैं। अब ये एक शॉप है जो गारमेंट्स की हैं और ये स्पेशली ख़वातीन की गारमेंट्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और एक शूज़ वाली शॉप मुझे नज़र आ गई है। बाकी तो यहाँ पे तकरीबन हर तरफ मोबाइल्स की दुकानें नज़र आ रही हैं। ये यहाँ पे ख़वातीन के कपड़े आ गए और इस तरफ कॉस्मेटिक्स, ये ग्रोसरी स्टोर। इस फ्लोर पे थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी सारे फ्लोर्स पे ना मोबाइल्स ही नज़र आ रहे थे मुझे। इसका मतलब ये ना कि अफगानिस्तान में ना मोबाइल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं लोग, और हर जगह पे ना सिर्फ आईफोन्स हैं, फोन्स हैं एक डिफरेंट के लिए। वाह, लेकिन लाइटिंग बड़ी खूबसूरत है यहाँ पे। कम रखता जो हाँ दस।